हेलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने उसके कुछ पार्ट लिखे हैं यहाँ पर। देखिए क्वाड्रिलेटरल में आपके पास होता क्या है, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर चार साइडों का एक क्लोज फिगर होना चाहिए, चार साइडों से मिला हुआ एक क्लोज फिगर, जैसे कि आपके पास ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये क्लोज फिगर आपके पास आ जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसमें बात करते हैं कि इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि आपके वर्टिसेस हैं। पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे वर्टिसेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वर्टिसेस में आपके पास क्या आएगा, ए बी सी और डी, यानी कि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ये वर्टिसेस में आएगा। राइट स्टूडेंट, बात करते हैं उसके बाद इसकी साइड की। सेकेंड पार्ट में आपके पास है साइड। ठीक है, तो साइड में आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, ए बी साइड बी सी सी डी और डी। राइट स्टूडेंट, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी बी सी सी डी और डी। फाइन स्टूडेंट, बात करते हैं हम उसके बाद थर्ड पॉइंट यानी कि डायगनल की। डायगनल की अगर हम बात करें तो डायगनल में देखिए जरा कंडीशन में क्या आती है स्टूडेंट, अगर मैं ए को सी से मिला दूं और बी को डी से मिला दूं तो आपके पास डायगनल बन जाता है। देखिए स्टूडेंट, यहां ये मिला दिया है, ठीक है, और ये बी को डी से मिला दिया है, तो ये आपके पास डायगनल होगा। अगर मैं डायगनल की बात कर रहा हूं तो डायगनल आपके पास एक तो बीडी होगा एंड एसी होगा, ये आपके पास डायगनल है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पे एडजेंट साइड की, एडजेंट साइड आपके पास क्या होगी, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, एडजेंट साइड, तो एडजेंट साइड के लिए जरूरी है आपके पास कि उसके अंदर एक कॉमन पॉइंट आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपके पास ए बी और बी सी। ठीक है, तो ये जो बी है आपके पास ये कोमा में आपके पास आ गया, तो जब मैं एडजेंट साइड की बात करूंगा तो इसमें आएगा आपके पास ए बी कोमा बी सी, ये आएगी एडजेंट साइड में। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आएगा बी सी कोमा सी डी, क्योंकि आपके पास सी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर बात करेंगे सी डी और डी ए, तो इसमें डी आ जाएगा, सी डी कोमा डी ए। राइट, फिर उसके बाद आपके पास आएगा डी ए कोमा ए बी। फाइन स्टूडेंट, तो ये आपके पास किस में आ जाएगा, एडजेंट साइड में आ जाएगा। राइट, उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ अपोजिट साइड, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास फिफ्थ वाला अपोजिट पॉइंट, यानी कि अपोजिट साइड है आपके पास, अपोजिट साइड। राइट स्टूडेंट, जब अपोजिट साइड की बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है। एडमिट जब अपोजिट साइड की बात करेंगे तो अपोजिट साइड में आपके पास आएगा ए बी के अपोजिट जो आपके पास होगा वो होगा आपके पास डी सी। राइट, और जो आपके पास बी सी के अपोजिट होगा वो आपके पास होगा ए। फाइन, ये आपके पास अपोजिट साइड्स में आ जाती है। राइट, यानी इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, ए बी के अपोजिट आपके पास बी सी होगा और सी डी के अपोजिट आपके पास बी होगा। लिख आप कैसे भी लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो सामने सामने की साइड है वो आपके पास आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्स पॉइंट की। देखिए स्टूडेंट, फिले कॉन्जुगेटिव एंगल्स, कॉन्जुगेटिव एंगल्स। राइट स्टूडेंट, कॉन्जुगेटिव एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा कॉन्जुगेटिव एंगल्स में क्या आएगा, उन कॉन्जुगेटिव एंगल्स के अंदर एक जो साइड होनी चाहिए वो कॉमन आनी चाहिए, जैसे कि ए एंगल और बी एंगल के बीच में ए बी जो आपके पास है वो कॉमन है। राइट स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए कॉमा एंगल बी, तो इसमें आपके पास जो ए बी साइड है वो कॉमन आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉन्जुगेटिव में, आपके पास एंगल बी कॉमा एंगल सी, तो जो मैं बी सी की एंगल बी और एंगल सी की बात करूंगा तो ये वाली जो साइड है वो आपके पास कॉमन आ जाएगी। सेम एज आगे हम चलेंगे तो देखिए जरा स्टूडेंट क्या आएगा, एंगल सी कॉमा एंगल बी। राइट, फिर उसके बाद आपके पास आएगा एंगल डी कॉमा एंगल ई। राइट, इस तरीके से हम इनको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं कॉन्जुगेटिव एंगल्स को। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अपोजिट एंगल्स की। अपोजिट एंगल्स आपको पता ही है स्टूडेंट, तो देखिए जरा अपोजिट एंगल्स में अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए अपोजिट एंगल। ठीक, तो अपोजिट एंगल्स में बात कर रहा हूं तो ए के अपोजिट आपके पास सी होगा और बी के अपोजिट आपके पास डी होगा। ए के अपोजिट क्या होगा आपके पास, एंगल ए के अपोजिट क्या होगा आपके पास स्टूडेंट, एंगल सी होगा। राइट, और एंगल जो बी है उसके अपोजिट क्या होगा आपके पास, एंगल डी होगा। ये अपोजिट में माने जाते हैं। राइट स्टूडेंट, क्लियर। अब देखिए ध्यान से यहां पर कि ये आपके कुछ पार्ट थे, इसके कुछ पार्ट हैं। राइट,
अब इसी की जो फॉर्म है यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की ही फॉर्म आपके पास स्क्वायर होती है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, आपका रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, ओके स्टूडेंट, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होता है आपके पास, स्काइड भी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होता है, ठीक है, ट्रेपेजियम है तो वो भी क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होता है, इट मींस ये कुछ पार्ट है जो कि क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म ही होती है, ठीक है, उनको मैं डिफाइन करूंगा, राइट, तो उसको भी बिल्कुल ब्रीफली हम डिफाइन करेंगे, ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप, ओके स्टूडेंट, यस, हेलो स्टूडेंट, हम इनके टाइप की बात करने जा रहे थे, वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के ये कुछ पार्ट है जो कि मैं आपको पहले मतलब थोड़ा सा ऐसे ही ब्रीफली ओरली बता दिया गया था, ठीक है, कि ये चीजें होती हैं, बट इनको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। पहले की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वन पैरेललोग्राम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पैरेललोग्राम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए ध्यान से, पैरेललोग्राम के अंदर तो ये आपके पास पैरेललोग्राम है, फाइन, ए बी सी डी, पैरेललोग्राम के अंदर होता क्या क्या है स्टूडेंट, पैरेललोग्राम के अंदर होता है कि जो आमने सामने की साइड होंगी वो आपके पास पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, क्लियर होंगे स्टूडेंट, तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा आपके पास बी सी के, एंड जो आपके पास बी सी होगा वो पैरेलल होगा आपके पास ए बी के, राइट, तो ये पैरेललोग्राम की फॉर्म में आ जाता है, ओके, नेक्स्ट वन अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको अभी भी इसमें बहुत सारी डिटेल में चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो कि जरूरी है, जिसकी नेसेसरी है, ठीक है, नेक्स्ट वन है आपके पास सेकेंड वन पार्ट, रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो रेक्टेंगल आपके पास क्या होगा, ये आपके पास रेक्टेंगल हो जाएगा स्टूडेंट, मान लीजिए ए बी सी डी, ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और जब आपके पास रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल में आपके पास क्या क्या होता है, ये तो ये 90 डिग्री होनी चाहिए, सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स शुड बी 90 डिग्री, ठीक है, ये सारे एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल होता है वो भी आपके पास बराबर होगा, राइट स्टूडेंट, इसमें क्या होंगे, डायगोनल भी बराबर होंगे, आमने की जो अपोजिट साइडें हैं इसकी, जो अपोजिट साइड है इनकी, ए बी जो होगी वो आपके पास बी सी के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी, क्लियर स्टूडेंट, सेम कंडीशन, तो देखिए ध्यान से यहां पर, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपके रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, राइट, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो वो जरूरी नहीं है, क्लियर स्टूडेंट, तो देखो जरा इसमें मैं लिख देता हूं यहां पर कि ए बी पैरेलल होगा, ठीक है, डी सी के, और ए बी जो होगा वो इक्वल टू भी होगा डी सी के, राइट, मतलब अपोजिट साइड के इक्वल भी होगा, ऐसी सेम कंडीशन है, बी सी जो होगा वो पैरेलल होगा आपके पास ए बी के, और जो आपके पास बी सी होगा वो इक्वल टू होगा आपके पास ए बी के, फाइनल स्टूडेंट, ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ऑल एंगल शुड बी 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री भी होने चाहिए, इनका जो डायगोनल है, जो इसके डायगोनल है, यानी कि जो बी डी होगा वो इक्वल टू आपके पास ई सी के होगा, क्लियर स्टूडेंट, ये आपके पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है वही कुछ सेम सी ही प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके पास स्क्वायर की हम बात करेंगे, थर्ड वाले पॉइंट है आपके पास स्क्वायर, तो देखिए जरा स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर के अंदर देखिए उसमें चारों साइडें इक्वल होंगी, राइट स्टूडेंट, ये चारों साइडें क्या होंगी स्टूडेंट, इक्वल होंगी, मान लीजिए ए बी सी डी, ये आपके पास चार साइड है, वो चारों की चारों आपके पास इक्वल होंगी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चारों की चारों साइड आपके पास इक्वल होंगी, राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू डी ए, राइट स्टूडेंट, ये चारों की चारों साइड आपके पास इक्वल होंगी इसके अंदर, दूसरी कंडीशन है आपके पास कि ए बी जो होगा वो डी सी के पैरेलल भी होगा इक्वल भी होगा, बी सी जो होगा वो ए डी के पैरेलल भी होगा इक्वल भी होगा, यानी कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ये वाली, ये दोनों प्रॉपर्टीज में फॉलो करेंगे, ये जो एंगल 90 डिग्री है ईच वो भी इसमें फॉलो करेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूँ, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये भी ईच 90 डिग्री होंगे स्टूडेंट, और जो आपके डायगोनल है यानी कि जो डायगोनल है वो डायगोनल भी आपके पास इक्वल होगा, ये इसके डायगोनल है और ये आपके पास ये डायगोनल है, राइट, दैट मींस एसी जो होगा वो इक्वल टू आपके पास होगा बीडी के, ये इसका डायगोनल है, यानी कि डायगोनल भी क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल ही होगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं यहां पर रोम्बस की, तो देखिए जरा रोम्बस में अगर मैं बात करूं यहां पे फोर्थ पॉइंट रोम्बस,
राइट स्टूडेंट, रोम्बस की अगर मैं बात करूँ तो रोम्बस में देखिए जरा क्या कंडीशन है स्टूडेंट। रोम्बस जो आपका स्क्वायर है उसी का एक फॉर्म है, ठीक है। इसी स्क्वायर को अगर मैं ऐसे दबा दूं या ऐसे दबा दूं, ठीक है, तो आपके पास एक रोम्बस की फॉर्म बन जाती है। देखिए ध्यान से, ये आपके पास रोम्बस ही होगा, राइट। इक्वल साइडें होंगी इसमें, ये जरूरी है कि जो आपके पास रोम्बस है ए बी सी डी, जो आपका स्क्वायर है उसी की कुछ प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होंगी, जैसे कि इसकी सारी साइडें इक्वल होंगी। ये जरूरी है रोम्बस के अंदर कि ए बी जो होगा वो इक्वल टू होगा बी सी के, और बी सी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा, और सी डी जो होगा वो आपके पास डी ए के इक्वल होगा। इट मीन्स सारी साइडें इक्वल होंगी इसके अंदर। फाइनल स्टूडेंट एक चीज और ध्यान से समझ लेना इसमें, एक चीज और है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं होंगे इसके अंदर, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, ये एक तो ये डायगोनल हुआ आपके पास और ये डायगोनल हुआ, तो डायगोनल इक्वल नहीं होंगे इसके अंदर। जो आपका रोम्बस है रोम्बस के अंदर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। रीजन बीइंग वो डिपेंड करता है कि आपके पास कि ये जो आपके पास डायगोनल है वो आप या तो ऐसे दबा के बना रहे हैं या फिर ऐसे दबा के बना रहे हैं, यानी कि जो वाला पार्ट बाहर की तरफ होगा उसका डायगोनल ग्रेटर होगा। तो मैं इसको फिक्स नहीं कह सकता हूं आपके लिए कि ये वाला डायगोनल ही बड़ा होगा या ये वाला ही छोटा होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वो डायग्राम है कैसा, फाइन। हालांकि रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, इसी का ये पार्ट है, तो इसका मतलब ध्यान से समझ लीजिए कि जो आपका ये स्क्वायर है ये रोम्बस की फॉर्म में हम कह सकते हैं, लेकिन क्या ये वाला जो पार्ट है वो रोम्बस होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्ट होती है, यानी कि या कुछ चीजें हम कहते हैं इसमें कॉमन मिल जाती है, कुछ चीजें कॉमन नहीं मिलती है इस पर, फाइन। तो हम केवल ये चीजें याद रखें कि आपके पास ये सारी साइडें भी आपके पास इक्वल होंगी, और जो आपके पास एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी जो है, राइट, ये इक्वल नहीं होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो हम इनको इक्वल नहीं कह सकते, तो ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास इक्वल हो, ये 90 डिग्री के इक्वल हो। तो ये वाला ही प्रॉपर्टी अगर आप ना भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, फाइन स्टूडेंट। क्लियर, तो बेटर है कि आपके पास ना तो ए 90 डिग्री ना बी 90 डिग्री ना सी 90 डिग्री और ना ही डी 90 डिग्री होगा, राइट। बट इसके जो आपके पास यानी कि जो साइडें होंगी जो ए बी होगी वो पैरेलल होगी आपके पास बी सी के, और इक्वल भी होगी, यानी कि ए बी इक्वल टू डी सी भी होगी, राइट। सेम कंडीशन आपके पास क्या होगा, जो आपके पास बी सी होगा वो पैरेलल होगा आपके पास ए डी के, और बी सी जो होगा वो इक्वल टू होगा आपके पास ए डी के, राइट स्टूडेंट। ये भी कंडीशन इसमें फॉलो की जाएगी, क्लियर, ये भी कंडीशन आपके पास इसमें होती है, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ट्रेपेजियम की, तो देखिए जरा ट्रेपेजियम आपके पास कई तरीके से बन जाते हैं। एक तो ट्रेपेजियम होता है आपके पास होता है नॉर्मली, एक आपके पास होता है आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम। आइसोस्केल्स मतलब क्या होगा आपके पास, जिसमें दो साइडें इक्वल हो, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो साइडें इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, अनइक्वल भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि इसके अंदर दो साइड जो होनी चाहिए वो पैरेलल होनी जरूरी है, फाइन। ट्रेपेजियम की मैं बात कर रहा हूं यहां पे ध्यान से देखिए, राइट स्टूडेंट। तो ट्रेपेजियम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ट्रेपेजियम देखिए मैं यहां पे बना देता हूं, राइट। ये आपका एक ट्रेपेजियम का पार्ट होगा, ठीक है, ए बी सी डी, राइट। इसमें ए बी जो है वो पैरेलल है आपके पास बी सी के, ठीक है। इसमें दो साइडें आपके पास क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर मैं सपोज करूं इसी में बनाने लगूं आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम बनाने लगूं, तो इसमें क्या होगा, मैंने कहा सपोज करो कि जो आपका ट्रेपेजियम है उसको मैंने आइसो ट्रेपेजियम बनाया, तो आइसो ट्रेपेजियम में क्या होगा कि कोई भी दो साइड आपके पास इसमें बराबर हो जाएगी, राइट, बराबर साइडें होंगी। वो पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है, वो पैरेलल भी हो सकती है, बट मैंने बोला केवल आपकी साइडें इक्वल होंगी। क्लियर स्टूडेंट, दो साइडें इक्वल होंगी और दो आपके पास क्या होंगी, पैरेलल साइड होंगी। किसके अंदर, आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम के अंदर। तो मैंने इसी के अंदर ट्रेपेजियम भी बता दिया, इसी के अंदर मैंने आपको आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम भी बता दिया, राइट। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर इसकी, ये जो आपके पास पार्ट है काइट, काइट को देखते हैं ध्यान से देखिए स्टूडेंट। काइट की अगर हम बात करेंगे तो काइट देखो इस तरीके से बनती है, ठीक है, ये मान लीजिए ए बी सी डी। काइट के अंदर प्रॉपर्टी है दो साइडें आपके पास इक्वल होंगी, ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होंगी।
इसमें कोई भी साइड किसी के भी पैरेलल, हम ये कहेंगे पैरेलल है या बराबर होंगी नहीं कह सकते, अपोजिट वाली बराबर होंगी ये भी नहीं कह सकते। इसमें क्या होगा कि दो साइडें आपके पास बराबर होंगी, ये दोनों साइडें आपस में बराबर होंगी, ये दोनों साइडें आपस में बराबर होगी। इसका नाम काइट इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जब आपने देखा होगा जो आप काइट पतंग उड़ाते हैं ठीक है, तो वो इसी की शेप में होगी, बस उसमें यहाँ पे कुछ टैल टाइप में बना दी जाती है। राइट स्टूडेंट, तो आप केवल इसको याद रखेंगे कि इसमें क्या होगा आपके पास ए बी जो होगा वो इक्वल टू होगा आपके पास ए बी के, राइट स्टूडेंट, ए डी के इक्वल होगा, और आपके पास जो बी सी होगा वो इक्वल टू होगा आपके पास डी सी के, जबकि ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, ये सी है यहाँ पे पॉइंट। ओके स्टूडेंट, ये सारे के सारे पार्ट मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं स्टूडेंट, क्लियर? तो इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है यू कैन डिस्कस विद मी। ओके स्टूडेंट, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो हमें एक मतलब हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू एवरीवन।